हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं फूली फूली मटर की कचौरी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनी थी, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं मटर, ये है 1 किलो मटर, और इसको मैं छील के अच्छे से वॉश करके और मिक्सर पॉट में डाल देती हूँ पीसने के लिए। इसको दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के तेल लिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 बड़े चॉप करे हुए ऑनियन डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। यहाँ पर है ना, आप ये ऑप्शनली अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। राई डालेंगे थोड़ी सी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, मटर की बना रहे तो हम प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ा मतलब पाचन अच्छा रहे इसके लिए। थोड़ी सी हरी मिर्ची चॉप करके डालेंगे, यानी कि 4-5 हरी मिर्ची को चॉप करके डाला है। सौंफ डाला है, सौंफ से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बस इन सबको डाल के और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा ऑनियन थोड़ा सा या तो लाइट गोल्डन कर लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें हम है ना मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाली हूँ 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच लिए थे भर भर के, और यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, यानी कि 1/2 चम्मच के आसपास। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मटर का जो हमने पेस्ट तैयार करा है, दरदरा जो पेस्ट तैयार किया ना, उसको डाल देंगे। और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक। इसको हमको पकाना है, मैं टाइम बता रही हूँ। ये पक जाएगा तो इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, मतलब भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी। जैसे मटर की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, उस तरह की खुशबू आ जाएगी। और थोड़ा सा ये बिखरा बिखरा हो जाएगा, इसका जो पानी है ना वो जल जाएगा। तो बस पूरा मिक्सर पॉट में से निकाल के इस तरह से मैं इसको पका लेती, क्योंकि पहले थोड़ा सा डाला था मैंने, क्योंकि निकल नहीं रहा था, इस वजह से मैंने पहले उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर बच्चे को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें पानी नहीं डालना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बिना पानी डाले ही इसको पकाना। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा मतलब कि 2 टीस्पून के आसपास मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा रहता है तो भी अच्छा लगता है। इसको ढक के पकाया, थोड़ा सा हल्का सा चेट गया था नीचे, तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा चेटने, क्योंकि बिल्कुल पाउडर बन जाता है ना तो तले में चेटने का डर रहता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास जो बेसन होता है ना, उसको डालेंगे। इसके बाद इसको हमको 5 मिनट तक इस तरह से लगातार चलाते पकाना है, और फिर जब अच्छे से पक जाएगा ना बेसन भी, उसके बाद इसको ढक के और गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हम जो हमारा डो है ना उसको तैयार कर लेते हैं। कचौरी के जो ऊपर का कवर है ना उसको किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी मैं इसको। कचौरी को जब कवर बनाएंगे ना उसमें डालने के लिए, सिर्फ हमने मैदा लिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मैदा लिया है, क्योंकि स्टफिंग ज़्यादा है। और उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे हम। देखिए उसमें मैंने नमक डाल दिया था, जो हमने मिक्सर तैयार करा था ना उसमें नमक डाल दिया था, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, क्योंकि बिना नमक के तो हम कोई रेसिपी बना ही नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें डाला है तेल, तो यहाँ पर 1.5 चम्मच भर के मैंने तेल डाला है। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम है ना, ऑयल ज़्यादा भी नहीं लेना है इसमें, हमको इतना लेना कि देखिए बस इस तरह से हल्का सा इसमें इस तरह से बंध जाए, बस ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो देखिए किस तरह से तैयार करना और सॉफ्ट कब होगा ये मैं आगे प्रोसेस में बताऊँगी आपको, तो स्किप मत करिएगा, रेसिपी को फुल वॉच करा करें ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। तो बस इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैंने एकदम पहले तो टाइट डो तैयार करा है, बहुत टाइट है ये। उसके बाद इसको प्लेटफॉर्म पर मैं डालूँगी इस तरीके से, या तो आप है ना थाली में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पे करना ज़्यादा इजी लगता है। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। यहाँ पर आप चाहो तो जो भी आपके पास घी हो ना वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच छोटा वाला जो होता है ना भर के घी लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से मसलते हुए मैं एकदम सॉफ्ट करूँगी, जिस तरह से हम ब्रेड का डो बनाते हैं ना उसी तरह से इसको मसलते हुए 5 मिनट तक आपको इस तरह से मसलना है और सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। और मसलते मसलते एकदम सॉफ्ट सा इस तरह से डो तैयार हो जाएगा। जब आप फिंगर लगाओगे ना तो एकदम उप के ऊपर आ जाता है, इस तरह से हमारा ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया। तो अब इसके हम गोले तैयार कर लेंगे, तो मीडियम साइज़ के, जिस तरह से आप जितनी बड़ी साइज़ की आप कचौरी बनानी हो उतने बड़े साइज़ के आप गोले कर लीजिए। देखिए जितना बड़ा साइज़ का आपने गोला करा ना आटे का, उससे छोटा आपका स्टफिंग का गोला होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बस यहाँ पर ये मीडियम साइज़ के मैं गोले बना लेती हूँ। तो स्टफिंग तो काफ़ी ज़्यादा बन गई है, और 1/2 किलो मैदे में देखिए सिर्फ इतने से गोले बने हैं। तो स्टफिंग अगर बच भी जाती है ना तो आप उसको बाद में यूज़ में ले सकते हैं, या तो पराठे बना सकते हैं, पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं उसके। तो बस यहाँ पर गोले तैयार हो गए हैं। तो
इनको है ना हम बाद में बनाएंगे, जो शेप देना है इस तरह से शेप देने में आएगा इसका, और फिर स्टफिंग होगी। चलिए इसको रख देती हूँ मैं पहले एक साइड, और स्टफिंग देख लेते हैं हमारी किस तरह से तैयार हुई है, क्योंकि स्टफिंग को मैंने रख दिया था ये देखिए बफने के लिए, तो काफ़ी अच्छे से ही हो गई और थोड़ी गर्म है। तो जिस तरह से दाने हैं ना, तो इनको आप है ना चपटा मतलब दबा देंगे किसी भी मेशर्स, आपके पास कुछ मेश करने वाला है उससे, या फिर आप स्पून से भी इसको ईजिली मेश कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको हम मैंने भी देखिए मेश कर लिए थे जो दाने थे ना उनको, और उसके बाद इस तरह से मीडियम साइज़ के हम इसके गोले बनाएंगे। तो जितना बड़ा आपका आटे का गोला है ना उससे थोड़ा छोटा आपको इसको लेना है। तो अभी गर्म है तो थोड़ा हाथ में लग रहा है, ठंडा हो जाएगा ना तब इजीली बन जाएंगे, लेकिन हल्के से जब कुनकुना रहे ना गर्म रहे ना तब भी आप बना लेंगे ना तो ईजिली बन जाएंगे, ठंडा होने के बाद थोड़ा क्या बिखरा बिखरा हो जाता है ना तो बनने में दिक्कत जाती है गोले। तो बस इस तरह से मैं गोले बना लेती हूँ सभी के। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोले बना लिए, जितने मेरे पास आटे की लोइयाँ थी ना उतने ही मैंने गोले बनाए हैं। उसके बाद इस तरह से इसको हम उलट पुलट करके देखिए गोले को किस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद इसको हम ऐसे फैलाते हुए अंगूठे को अंदर पुश करते हुए इस तरह से फैलाते हुए इसका हम ऐसे कटोरी जैसा बना लेंगे, जिसमें हमारा ये जो स्टफिंग वाली गोली है ना ये फिट हो जाए। इस तरीके से इसको हाथ से अंदर दबाते, एक हाथ से उंगलियों से दबाते हुए और फैलाते हुए इस तरह से आपको बनानी है। देखिए कभी आपने हलवाई को देखा होगा बनाते हुए, तो वो इसी तरह से इसी प्रोसेस से बनाते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज रहती है और प्रोफेशनल रहते हैं वो, तो उनको परफेक्ट आता है किस तरह से बनाना है। हम थोड़ा कभी कभी तो बनाते हैं, तो बस इस तरह से आप हथेली से दबाते हुए इसको बढ़ा लीजिए, दोनों तरफ हथेलियों की मतलब हथेलियों का सहारा लेते हुए आपको इसको बढ़ाना है। और यहाँ पर है ना मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना उस समय मेरा पिकू मेरे पास बैठा था, मेरा खरगोश, उसको देख के काव्या हंस रही थी बार बार। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से शेप बना है हमारे जो कचौरी का है ना, वो इस तरह से शेप बन गया है। इसी तरह से जितनी आप फ्राई कर रहे हैं ना उतनी आप बना के रख लीजिए पूरी, या तो एक साथ बना के रख लीजिए या फिर जितनी बनती जा रही है ना उतनी आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तीन बनाई थी, तो चलिए इन्हीं को हम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको बढ़ाना है आपको। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन तेल को आपको इतना गर्म करना है कि कचौरी डालते समय उसमें हल्के हल्के बुलबुले आए, मतलब ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको इसको फ्राई नहीं करना, और इसी फ्लेम पे आपको मतलब जब तक कचौरी आपकी अच्छे से कलर नहीं आ जाए तब तक फ्राई करना है तब तक। तो बस ये धीमी धीमी आँच पे बहुत ही खस्ता हमारी कचौरी फ्राई होगी, और थोड़ी देर बाद ये खुद ही है ना जो कढ़ाई को छोड़ देगी और एकदम ऊपर आने लग जाएगी, मतलब फूलने लग जाएगी। और आप यकीन मानिए इतनी खस्ता कचौरी बनी थी ना, फूली फूली जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं ना उसी तरह की हमारी कचौरी बन के तैयार हुई थी। और एक टिप्स वो दे देती हूँ मैं आपको कि अगर आप और भी ज़्यादा मतलब एकदम खस्ता और एकदम फूली फूली चाहते हैं कि आपकी कचौरी में बिल्कुल मिस्टेक ना हो, जैसे मेरी कचौरी क्या हुआ था कि एक दो कचौरी ऐसी रह गई थी जो थोड़ी सी कम फूली थी, तो आपको मैं एक हिंट देती हूँ कि आप उसको बना के कम से कम 3 या 4 घंटे के लिए सारी कचौरी को बना के फ्रिज में रख दीजिए, और फ्रिज में रखने के बाद फिर आप तलिए, मतलब आप कचौरी बना रहे हो पहले से प्रोसेस तैयार कर दीजिए कि आपको उसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना ही है, फिर आप देखेंगे ना आपकी कचौरी ऐसी फूलेगी ना कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने खुद ने बनाई है, इतनी खस्ता और ऐसी फूली फूली बनेंगी। देखिए ये वाली कचौरी ना इसको मैंने बिना फ्रिज में रखे बनाई थी, तो ये थोड़ी हल्की फूली हुई दिखी है। आगे की जो कचौरी मैं दिखाऊंगी आपको उसको मैंने 3-4 घंटे बाद बनाई थी, तो मैंने सोचा इसको बाहर रखने से अच्छा उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में रखा था मैंने, उसके बाद उसको फ्राई करी थी ना, तो देखिए ये वाली कचौरियाँ हैं, इसको मैंने 3-4 घंटे बाद बनाई थी, तो आप देख रहे हैं ना कितनी फूली फूली दिख रही है। तो बस इसको हम चाय से खाएंगे, और यहाँ पर देखिए अंदर स्टफिंग भी कितनी अच्छे से फैली हुई है।